चुनावी सरगर्मी भी तेज हो रही है। दो फेज के चुनाव हो चुके हैं, वोटिंग हो चुकी है और लगातार जैसे जैसे फेज आगे बढ़ रहा है चुनावी जो सरगर्मी है वो और तेज होती जा रही है। बात अगर राजधानी की जाए जहां से सीधे सरगर्मियां जो राजनीतिक सरगर्मियां हैं वो आगे बढ़ती हैं, वहां का आलम क्या है, वहां के लोग क्या चाहते हैं, लखनऊ के लोग क्या सोचते हैं, वो हम आज जानेंगे और आपको बताने का प्रयास करेंगे पूरी तरीके से। आज हम लखनऊ में हैं, सियासत की राजधानी लखनऊ में है और लखनऊ में नापेंगे, पारा नापेंगे कि राजनीतिक पारा कितने ऊपर है। लखनऊ की बात की जाए, तीनों प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं, तीनों पार्टी के प्रत्याशी अपने घोषित कर चुके हैं जो मुख्य रूप से हैं। गठबंधन की तरफ से पूनम सिन्हा जो कि शत्रुघ्न सिन्हा की पत्नी है वो उतरी हुई है और वहीं पर भाजपा ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह को उतारा हुआ है तो कांग्रेस ने आचार्य कृष्णन को उतारा हुआ है। हम तीनों की चीजों को टटोलेंगे, क्या है जनता के बीच में जानेंगे और सीधे जनता के बीच में चलते हैं और जानेंगे कि क्या चाहती है जनता, किस तरीके से चाहती है जनता, किन एजेंडों को खासकर लखनऊ में चाहती है जनता। देख सकते हैं आपकी लोगों में जो सियासी सरगर्मियों को लेकर जो हलचल है वो केवल मीडिया को देखते हैं कि किस तरीके से राजनीतिक अपनी बातें बताने के लिए लोग आ गए खुद अपने आप। हम इन्हीं के बीच में सबसे पहले चलेंगे और जानेंगे कि क्या है, लोग क्या चाहते हैं। क्या नाम है आपका? कृष्ण मुरारी वर्मा। क्या लग रहा, क्या लग रहा चुनाव? चुनाव क्या मोदी साहब जीतेंगे? जीतेंगे जी। काहे पे? जो उन्होंने किया है, गैस सिलेंडर गरीबों के लिए, मकान बनवाए हैं और जो एसडी आती है इसी वजह से जीतेंगे। कैसे जीतेंगे? सभी काम उनके अच्छे रहे आज तक के, उनका कोई काम खराब ही नहीं। कौन जीतेगा? मोदी जी। मोदी जी बस। मोदी जी। मोदी मोदी भाई, मोदी जी जीतने की वजह भी है ना, मोदी ने काम इतना अच्छा किया है। राशन पानी सबसे ज्यादा राशन पानी मद्दा हुआ है समझ लो जो है, और प्याज कितनी मंडी 80 रुपया 90 रुपए। पूनम सिन्हा आ गई है, कोई भी आ जाए, कोई सिन्हा आ जाए, कोई सिन्हा आ जाए, सिर्फ मोदी जीते रहा और कोई नहीं जीते रहा समझ लो जो है, सिर्फ मोदी जीते रहा। इस बार मोदी ने इतना अच्छा काम किया है, आज 50 साल जो कोई सरकार है वो नहीं कर पाई जितने मोदी ने इतना अच्छा किया। हमारे देश के बराबर का कोई प्रधानमंत्री नहीं वर्ल्ड में जो हमारी बुलंदियों को ऊंचाई में छुआ रहा है। मोदी जीते गए, कर्जा माफ किया है और काम अच्छा कर रहे हैं। अच्छा कर रहे हैं? अच्छा कर रहे हैं, सब काम अच्छा कर रहे हैं। गरीबों के लिए, हित के लिए अच्छी बातें कर रहे हैं। हाँ जी, बहुत अच्छी बात है। मोदी जी जीतेंगे। मोदी के अलावा कौन जीत सकता है? राजनाथ सिंह गृह मंत्री है भैया। राजनाथ सिंह जी जीतेंगे? अरे वाह, क्या बढ़िया किए हैं, बहुत कुछ किया। एक चीज बताइए, सब मोदी 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 मोदी, सब मोदी मोदी मोदी, राजनाथ जी कुछ किए हैं? क्यों नहीं किया, बहुत कुछ किया यहाँ के लिए। और क्या पटरी सब बनवा रहा है, वहाँ स्कूल खुलवाया, वहाँ सब गया है, सब बनवा रहा है, वो काम हो रहा है, काम हो रहा है। काम किसी का भी हो मगर ये पार्टी विशेष का नारा है कि काम बोलता है, लेकिन काम किसी का भी हो, काम सबका बोलता है, वो किसी भी पार्टी का हो बोलता है, मगर अभी तो हाल फिलहाल यहाँ मोदी जी का काम बोल रहा है जो लोगों का कहना है। मोदी जी, मोदी जी भैया आओ इधर आओ। मोदी मोदी क्योंकि उसने लड़कियों के लिए बहुत कुछ किया, महिलाओं हाँ, बच्चों के लिए, बच्चों के लिए बहुत कुछ किया है ये कहना है इनका, मतलब एजेंडे बहुत सारे। अच्छा, जब वोट देने जाएंगे तो राजनाथ सिंह जैसे कोई वोट करेंगे अगर आप ये कह रहे हैं मोदी जी? हमें मतलब नहीं है, हम मोदी है हमारा फैक्टर। हाँ, मेरे घर में सब मोदी देते हैं, सब मोदी देते हैं। हाँ, चार भाई, किसको देंगे? मोदी को। मोदी भैया अरे बता जाओ पहले, वोट मोदी को? मोदी वोट। हाँ, मोदी मतलब एक लहर है जो लोग ये कह रहे हैं कि 2014 के बाद मोदी जी का की क्रेज खत्म हो गया, लहर है खत्म हो गई, वो ऐसा नहीं है यहाँ पर तो लग रहा है, और कहीं हो ना हो नहीं पता, मगर यहाँ पर है, यहाँ पर लोग मोदी जी की बात कर रहे हैं। दादा जी जा रहे हैं कहीं पर, दादा क्या नाम? संजीव। वोट डालने जाएंगे? हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे ना। किसको करेंगे ये क्यों बताएं आपको? किस एजेंडे पे करेंगे ये भी पता नहीं कोई इसको। अच्छा, किसी को वोट जब डाले जाएंगे कुछ तो सोचेंगे, वो हम आपको क्यों बताएं? हम डाल चलिए कॉन्फिडेंशियल है पूरी तरीके से, नहीं बताएंगे कि किन चीजों पर वोट करेंगे। आइए देखिए, बड़ा भारी सामान लेकर जा रहे हैं यहाँ पर, कहाँ है वजन पूरा लाद के जा रहे हैं? अरे यहीं जाना है।
आगे जा रहे हैं। पूरा वजन पूरे दुनिया के लाते हैं आप। अब क्या करें, मोदी जी नहीं आएंगे तो ऐसे ही होगा। मोदी जी को फिर बुलाइए जल्दी से। मोदी जी को लाना पड़ेगा, मोदी जी को लाना पड़ेगा। तो ये मोदी जी उठाएंगे? अरे मोदी जी नहीं, काम बढ़िया हो जाएगा ना, काम तेज चलेगा ना। डबल लोडिंग कर रहे हो, चलान नहीं कटा? नहीं नहीं कट रहा, चलो तब ठीक है। अच्छा हम सब बता रहे हैं व्यापारी बड़ा परेशान है, हम गए बाहर बता रहे हैं व्यापारी बड़ा परेशान, जीएसटी लगा दिए, सब परेशान कर दिए। परेशान कुछ नहीं, जीएसटी काम बढ़िया है, नंबर एक का काम है, मोदी जी ने अच्छा काम किया है। राजनाथ सिंह जी कुछ किए यहाँ पे? अरे बहुत कुछ किए हैं, अब आदमी को दिखाई नहीं देता है, नहीं दिख रहा। अच्छा पूनम सिन्हा जी उतरी है, अब कल आ गई है पूनम सिन्हा जी। खामोश। अरे खामोश से कुछ नहीं होगा, मोदी जी आएंगे बस, मोदी जी चिल्लाएंगे। हाँ मोदी जी, कुछ नहीं। आचार्य जी भी आ गए? कोई भी आए, कोई भी आए। अरे मतलब पूरा मोदीमय है यहाँ तो, मोदी मोदी अभी तक दिख रहा है। आगे आइए और देखते हैं, आइए आइए देखिए, आप भी बताइए। पूनम माने जीरो, पूनम माने जीरो, पूनम माने जीरो। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अलिया। किसको वोट करेंगे? अखिलेश को। अखिलेश जी को। अब आए हो आप, ये बताइए क्या अच्छा, किन चीजों का? आगे आ जाइए, आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। अखिलेश के बहुत से काम अच्छे हैं, आप उठा के देख लिए, जितने भी ट्रैफिक, जितना सबसे ज्यादा ट्रैफिक होता था आज ट्रैफिक कम हो रहा है। कितने पुल बने हैं, सीतापुर रोड पे चले जाइए वहाँ पे कितने पुल बने हैं, डालीगंज में आ जाइए, विकास काम किया है, बहुत किया है। नौजवानों को जो सबसे ज्यादा प्रेरणा उनसे मिली है, अगर उसके अलावा और बताइए बीजेपी ने क्या किया है, कितना काम उनका हुआ है। हर आदमी कारोबार से परेशान है, जीएसटी से परेशान है, किसी पर 28% जीएसटी है, किसी पर 18% जीएसटी है। अब इनके हिसाब से अगर इनको फायदा हुआ तो इनके हिसाब से कहेंगे, पब्लिक को आज की जो पब्लिक है उसको चाहिए ना, जो प्रेरणा मिल रही है। योगी सरकार क्या कर रही है आप बताइए, मतलब मिला जुला है लोग ये भी कह रहे। दादा कहाँ जा रहे हो? काम तो कर रहे हैं। किसको करोगे वोट? गठबंधन को करेंगे। गठबंधन को वोट करेंगे। और गठबंधन के प्रत्याशी कौन? पूनम सिन्हा जी कैसी हैं? अभी तक तो कुछ की नहीं, कुछ क्या लग रहा है? अब जब करेंगी, जब कुछ होंगी तभी तो करेंगी, जब होंगी तभी तो करेंगी। करेंगी ना? नहीं कुछ किए, ये कुछ नहीं किए, कुछ नहीं। अरे सब बता रहे बहुत काम हुआ। अरे कुछ नहीं हुआ भैया, सब बातें, सिर्फ बातें कि मतलब काम नहीं हुआ है। क्या नाम दादा बताओ? गुरु जी आप बताइए। अरे अभी सुनकर किसको वोट करेंगे? एकदम नरेंद्र मोदी, मोदी जी को एकदम। सब बता रहे हैं कि बड़ा गठबंधन वठबंधन है और सब बड़ा दिक्कत है, सब एक साथ मिलकर लड़ रहे हैं, अकेले हरा पाएंगे? कोई अकेले नहीं हरा पाएगा। अरे जीएसटी एस टी परेशान। अच्छा इतनी बड़ी दुकान है, जीएसटी से परेशानी तो व्यापार कैसे चल रहा है बताइए? कुछ अच्छा होने के लिए थोड़ा बहुत तो परेशानी झेलनी पड़ती है ना, सब कुछ एकदम मस्त है बढ़िया। आचार्य जी आ गए हैं अब तो कांग्रेस? नहीं फिर से मोदी सरकार है, चाहे कुछ भी कर लीजिए। किस एजेंडे पर वोट करेंगे कुछ बोल रहे हैं? देश का उद्धार हो रहा है और नरेंद्र मोदी के हाथों निश्चित है, और कहीं नहीं। क्या हुआ 5 साल में? 5 साल में बहुत कुछ बदल चुका है, देश हमारा विकसित कर चुका है, बहुत एकदम हो रहा है, विकास हो रहा है, ये इनका कहना है। और अगर व्यापारी कह रहा है तो बात सही होगी, क्योंकि व्यापारी के नाम पर ही ये बात कही जा रही है कि जीएसटी के नाम से सब परेशान है, जीएसटी परेशान किए हुए है, जीएसटी खाया जा रही है। तो कहीं ना कहीं अगर व्यापारी कह रहा है तो जीएसटी दिक्कत नहीं है ये, क्योंकि व्यापारी का ही कहना है। क्या एजेंडा होना चाहिए चुनाव का? मोदी का सरकार आना चाहिए, क्योंकि उन्होंने देश का उद्धार किया है और जो है गरीबों को घर दिलाया है, शौचालय बनवाया है, अच्छा काम किया है। देखिए एक बात पहले मैं कह दूं कि हम जिस मार्केट में हैं, जहां पर हम लोग हैं, वहां पर पूरी तरीके से हर जगह की जनता है। और लगातार अगर कोई ये कह रहा है कि जो एक काम नहीं है, काम नहीं हो रहा है, वो जनता कहीं ना कहीं कुछ कह रही है, जरा इसको ध्यान से सुनिए। और ये सभी लोग जो कह रहे हैं, और अगर कह रहे हैं तो सही जरूर होगा, क्योंकि ये जनता है, ये सब जानती। क्या नाम आपका? अजय शुक्ला। अजय जी जी, चुनावी एजेंडा क्या होना चाहिए? बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं जी, राष्ट्रवाद, राष्ट्र सुरक्षा, सब कुछ हो रहा है, आपके हिसाब से एजेंडा क्या होना? देखिए जो बेरोजगार लोग हैं, मोदी जी कहते हैं हम रोजगारी लाएंगे, ये लाएंगे, तो रोजगारी लाएं, बेरोजगारों को रोजगार मिले, नौजवानों को युद्ध मिल रहा मिले, मिल रहा मिला नहीं मिला, नहीं मिला, नहीं मिला, मिलना चाहिए, ये चीज है। इसके लिए कहते हैं रोजगार लाएंगे, बेरोजगार इतना आदमी बेरोजगार हो रहा है। हम ये कह रहे हैं भाई कारोबार कुछ नहीं है, कहीं किसी को कोई वो नहीं, हम लोग काम करने वाले आदमी, हम लोग को कोई सुविधा नहीं मिल रही है किसी तरह की, समझे? हम लोगों को ये भैया कोई काम मिले, हम लोग फुटपाथ पे बैठते हैं, समझे? 150 रुपए 200 रुपए काम कर रहे हैं, जहाँ जाइए दवाई इलाज लेने, मान ली अगर कहीं दवा बीमार पड़ गए तो हम छुट्टी करके जाते हैं हॉस्पिटल, तो हमारा तो 200 रुपए 150 रुपए का नुकसान हो गया।
हम तो किसी काम के नहीं रहे समझे, या तो दवाई देख लें या वो देख लें, तो उसकी वजह से हम लोगों को बहुत दिक्कत बहुत परेशानी हो रही है। नेता क्या करे ऐसा? नेता ऐसा करे कि मतलब सबको रोजगार मिलना चाहिए, काम ऐसा मिलना चाहिए सबको भाई, कुछ दो वक्त की रोटी जुटाना, और तो किसी हम लोग को कोई। अच्छा कौन सा नेता लग रहा है? तीन लोग तो मेन पार्टी के खड़े ही हैं यहाँ पे, कौन लग रहा है? हर आदमी वादा करके जाता है, हर आदमी वादा करके जो काम करवा दे वही नेता अच्छा है। क्या लग रहा कौन करवा देता? अभी इस टाइम तो देखिए मोदी जी कह के गए लेकिन किया कुछ नहीं अभी हम लोगों के लिए। अब देखिए दूसरे कोई अगर बदलती है तो ठीक है, दूसरा कोई आता है तो देखते क्या करते हैं, मतलब दूसरे की उम्मीद है आपके? बस बस बस, दूसरे की उम्मीद भी है लोगों को। क्या नाम? पंडित ज्वाला प्रसाद। ज्वाला प्रसाद, ज्वाला प्रसाद, ज्वाला प्रसाद जी बोलिए, वोट किस एजेंडे पर डालेंगे? मैं मोदी जिंदाबाद के एजेंडे पे। मोदी जिंदाबाद के एजेंडे पे? जी हाँ। मुद्दा क्या है, क्या है मोदी जी में? मोदी में बहुत अच्छाइयां हैं, जैसे कि अमीरों को गरीब बनाना, अमीर को गरीब, अमीर बनाना, अमीर को गरीब बनाना, बिल्कुल ये अच्छी बात है। जीएसटी लगा अच्छा है, सब एक बराबर हो जाएंगे। हाँ बराबर कर, सब बराबर हो जाएंगे भाई, सब बराबर हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे भाई। भारत माता की जय, जय भारत माता की जय, भारत माता की तो जय है। मोदी सरकार बढ़िया होगा, प्रधान समाजम। चुनाव के एजेंडे क्या होने चाहिए? जो मोदी कर रहे हैं वो एजेंडे हैं बस। और पार्टी जो कर रहे हैं बेकार है सब। जैसे क्या क्या अच्छा है? अच्छाई क्या नहीं है ये बताइए आप मेरे। इसलिए देखिए पूछ रहे हैं, राजधानी है सब कुछ यहीं से होके जाता है बाहर, ठीक है? आप जो कहेंगे वो पूरा उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सब देखेगा, बिल्कुल देखेगा, ठीक। तो कुछ बताइए ऐसा कि क्या हुआ लखनऊ में ऐसा कि जिसकी वजह से लोग किसको वोट करें? लखनऊ में क्या नहीं हुआ ये बताइए आप मेरे। हमको क्या पता, वो तो आप बताएंगे। और क्या, क्यों ना मोदी को वोट दिया जाए? जो 70 साल में नहीं किया उसने 5 साल में करके दिखा दिया, और क्या चाहिए? हाँ, जैसे सेना, अरे सेना सुरक्षा देखिए, हमारी सेना घुस के मार रही है। हाँ, और क्या चाहिए इससे ज्यादा? सर्जिकल स्ट्राइक। और क्या, चैन की नींद, बिल्कुल सबका साथ सबका विकास, मतलब क्या हो गया? मोदी तो एक झूठे वादे कर रहे हैं, बस कहेंगे 2 करोड़ नौकरी, दारू बंद करा, दारू 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 बंद कराए हैं ये इनका कहना, इससे खुश है। अब एक बार पहले दारू कुछ नहीं हुआ है, 2 करोड़ नौकरियों को वादा किए। हाँ फिर पता चला कि राफेल घोटाला हुआ, एक राफेल घोटाले का 520 करोड़ था, वो 1600 करोड़ खरीद कर वोट है हमारा। डालोगे? हाँ डालेंगे, अरे हम तो गठबंधन सरकार के हम। हाँ गठबंधन करेगा काम, करेगा क्यों, मतलब जिससे मोदी कम से कम इतना वादा किए, एक भी वादा पूरा नहीं हुआ है कि मतलब हमारी सेना 44 उस सेना मारे गए CRPF वाले, मोदी क्या कहने सर, क्या स्ट्राइक में क्या निकला बताइए? कुछ निकला? कुछ नहीं निकला। गैस सिलेंडर दिए हैं, गैस सिलेंडर तो दे दिए हैं, मगर उसको भराने के लिए वो काम नहीं दिए किसी को, किसी गरीब को किसी के काम है, बेरोजगारी इतनी हो चुकी है। और गैस काम मिलना चाहिए, काम नहीं है गांव में, कोई काम नहीं है, जो रोजगारी भत्ता कुछ मिल रहा था वो सब बंद हो गया है। इन्हीं से पूछो ये बताएंगे, हम इनसे पूछो इन्हीं ने बताया ये बताएंगे, हम क्या बताएंगे? वोट डालने जाओगे? हाँ डालेंगे। किसको? हमें वोट तो आने दो पहले, फिर भी सोचे होंगे, हमें तो आने तो दो भैया। अब तो सब आ गए सारे प्रत्याशी, भैया हम कांग्रेस वाले हैं बड़े भाई। हाँ राहुल जी से क्या उम्मीदें हैं लोगों की, क्योंकि बड़ा सवाल है। जो मोदी कर रहे थे वही राहुल करेंगे, लेकिन वोट हम राहुल को देंगे, मतलब राहुल जी कर सकते हैं ना उस तरीके का काम, बिल्कुल। अदिल जी किसको वोट करेंगे? भाई हम तो समाजवादी वाले। समाजवादी क्या करेगी समाजवादी पार्टी, या क्या ऐसा खराब किया दूसरी पार्टी ने, क्या लगता है? किया तो किसी ने कुछ नहीं, अगर देखा जाए तो भाजपा ने क्या किया? कुछ नहीं किया, कुछ नहीं, हमारे हिसाब से तो कुछ नहीं किया फिलहाल। समाजवादी से क्या उम्मीद है, क्या करें? समाजवादी आपने देखा अखिलेश यादव आया था, उसने कितना काम किया लखनऊ के अंदर, किया कि नहीं किया? तो मतलब अखिलेश यादव ने जिस तरीके से जब पूनम सिन्हा को उतारा था तब उन्होंने एक बात कही थी, उन्होंने कहा था कि हम लखनऊ की जनता के बीच में लखनऊ के काम को लेकर जाएंगे, उसका असर है यहाँ पर साफ दिख रहा है। उन्होंने कहा था लखनऊ की जनता के बीच में हमने जो लखनऊ की सरकार में, जब हम सरकार में थे और लखनऊ में जो काम किया है उसको लेकर जाएंगे, तो वो दिख रहा है कि उस तरीके का असर है। इधर आइए, क्या नाम है आपका? सईउद्दीन। जब चुनाव होंगे, कहाँ, लखनऊ से ही हैं? नहीं उन्नाव से। उन्नाव से? अरे तब तो बहुत है, सही हो गया। हाँ। तब तो आप साक्षी महाराज जी के यहाँ से? नहीं यार, गठबंधन। गठबंधन है? हाँ। पूरा गठबंधन। गठबंधन क्या अच्छा कर सकता है, क्या उम्मीद, क्या लग रहा है? बहुत उम्मीदें उससे, अखिलेश जो है नया कुछ कुछ करेगा। प्रधानमंत्री तो फिर भी कोई ना कोई कांग्रेस या भाजपा ही से उम्मीद है बनेगा शायद। राहुल बनेगा? राहुल गांधी। हाँ और क्या, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनाएंगे। और क्या, मतलब
समाजवादी पार्टी को जिताएंगे, कांग्रेस को प्रधानमंत्री बनाएंगे। ये देखिए पहले 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 आइए जितेंद्र जी, चुनाव आने वाले हैं 6 तारीख को, आपके यहाँ वोट पड़ेगा, क्या लग रहा है क्या है? देखिए अब कौन, ये कंपटीशन तो है ही है, ऐसी बात तो है नहीं, कांग्रेस में भी और बीजेपी में भी, अब कौन आएगा, जो जीतेगा उसको सर पे बिठाना ही पड़ेगा। महागठबंधन उम्मीद नहीं है, अखिलेश जी अगर अखिलेश कह रहे हैं, हाँ अखिलेश जी अगर अकेले करें तो जीत जाएंगे, अकेले लड़े होते हैं। हाँ महागठबंधन नहीं, महागठबंधन में कभी नहीं जीत पाएंगे, महागठबंधन नहीं, महागठबंधन नहीं होना चाहिए, अखिलेश जी नुकसान कर लिया, नुकसान किया है। क्या सोच रहे होगे आप, क्या दिमाग में होगा, क्या सोच कर वोट करने जाओगे आप? वो उस समय ही पता चलता है, पहले कोई नहीं बता पाएगा। आपके लिए नेता जो भी कर रहे हैं सही कर रहे हैं, मोदी ने भी सही किया है, ऐसी बात नहीं है, जितना काम कर रहे हैं मोदी जी अच्छा कर रहे हैं। क्या करें हमको तो कुछ नहीं दिखता, यहाँ पे सब क्या दिख रहा है, राजनाथ जी क्या करें, राजनाथ जी क्या कर रहे हैं, यहाँ सांसद है ना राजनाथ सिंह जी, हाँ जी क्या किए, कुछ किए यहाँ तो कुछ नहीं किया, कुछ किया कहीं नहीं किया, ये तो रोड बताते हमने बना डाली हमने, लखनऊ की बात अलग है, बाकी बाहर की बातें अलग है, बाहर तो सब अपने अपना करते, विकास हो रहा है, काम हो रहा है। हाँ लखनऊ में थोड़ा बहुत हुआ है, मेट्रो तैयार हो गई है, अखिलेश जी कहते हैं मेट्रो हमारी है, आप भाजपा बता दे रहे हैं, हमने तो नहीं कहा, अब तो फिर कैसे राजनाथ जी के में जोड़ दे रहे हैं, चार आदमी टहल रहे और ज्यादा नहीं टहलता है, नहीं मेट्रो अच्छी नहीं, ये बेकार है, जो दिल्ली में मेट्रो है लखनऊ में ऐसी नहीं है, बस हुआ है, सीधी सी बात, धीमे-धीमे चलेगा, वो एक अलग मुद्दा है, वो एक अलग चीज है। क्या नाम है? सत्य प्रकाश दुबे, सत्य प्रकाश दुबे। क्या लग रहा है कि क्या चीज होना चाहिए, किस तरीके से होना चाहिए? इस तरीके से होना चाहिए भैया, समाज को एक अच्छी सरकार और कार्य करने वाली सरकार चाहिए, बेरोजगारी पढ़ाई और शिक्षा सभी पे उन्नति होनी चाहिए। पहले आप हम ही बेरोजगार कर दे रहे हैं, हमारा माइक ले लेंगे। अरे साहब आपको ही बेरोजगार करेंगे, जब पकड़ेंगे तभी बोल दीजिए, पहले हमारा वापस तभी बोल पाएंगे। हम ये कहेंगे कि एक सभ्य सरकार की जरूरत है जो कि आज कार्य कर रही है, कर रही है। हमारे समाज में जो सरकार बनी हुई है वो बहुत बेहतर है और उसको हम लोग को बढ़ चढ़ के सपोर्ट करना चाहिए। बजरंग बली जी, जी अली जी, ये सब बहुत चल रहा है आजकल, सही है, मानव प्रवृत्ति है साहब, हर धर्म को हम पूछते हैं, हिंदू सिख ईसाई सबको हम बहुत बढ़िया मानते हैं, कोई त्योहार आता है तो हम मुस्लिम बन जाते हैं, कोई त्योहार आता है तो हम हिंदू बन जाते हैं, हर प्रकार से हम जुड़ जाते हैं। चर्चा होनी चाहिए, ये समाज के लिए सही नहीं है, नहीं है ना सही। ये समाज के प्रति सही नहीं है, ये मैसेज जरूर जाना चाहिए करने वालों, ये सुन लो कि समाज को तो कम से कम छोड़ दो, इस तरीके से काम करो कि समाज में विखंडन ना हो। आप कहते हैं ये गलत, सभ्य सरकार बनाएंगे हम, शिक्षित सरकार बनाएंगे हम, करप्शन खत्म कर देंगे, आप यही करप्शन फैलाए पड़े हो जो हम देख रहे हैं, पूजा के नाम पे नमाज के नाम पे इन चीजों पे हम सरकार बनाए बैठे हैं। अरे आगे बढ़ो भैया, आगे बढ़े, बिल्कुल बिल्कुल हम भी आगे बढ़ रहे हैं। क्या नाम? शेखर श्रीवास्तव। कहाँ से? लखीमपुर से। लखीमपुर से, लखीमपुर से। वोट डालेंगे? बिल्कुल डालेंगे सर। क्या लग रहा है, कुछ क्या भी हो रहा है, कुछ भी हो, और हो रहा है कि नहीं हो रहा, जिसका मन जैसा होता वैसे करेगा, हमारे पास 4 पैसे हैं हम अपनी मर्जी से खर्च करेंगे। आपके हिसाब से कर रहे हैं? अब सही है, वो हमको फायदा मिला है तो सही है, अब हमको नहीं मिला फायदा तो हमारे लिए गलत है। मिला अभी तक तो कुछ मिला नहीं, नहीं मिला, दुखी है? दुखी भी नहीं है, कुछ गया भी नहीं हमारे पास से, तो क्या करेंगे, वोट तो डालेंगे ही। किसको ना बताइए, कॉन्फिडेंशियल होता है, नहीं बताना चाहिए, ठीक है, मगर एजेंडे पे काहे पे डालेंगे, क्या सोच के डालेंगे? अच्छा नेता कैसा होना चाहिए? सब अच्छा चल रहा है, मोदी वाला ही होना चाहिए, मोदी ऐसे होना चाहिए। आप बता दिए भाजपा वोट डालेंगे, तो मतलब एक असर है लोगों में कि जो लोग कह रहे हैं कि एजेंडे किस तरीके के हों, लोग किस तरीके के हों, राजनेता किस तरीके के हों, लोगों पर हर चीज का असर पड़ रहा है, चाहे वो राष्ट्रवाद की बात हो, चाहे वो रोजगार की बात हो, चाहे वो किसानों के मुद्दों की बात हो, और चाहे वो बजरंगबली और अली के मुद्दों को लेकर जिस तरीके से राजनेता अपनी राजनीति चमका रहे हैं उनको लेकर हो, मगर कहीं ना कहीं जो इस तरीके के बयान आ रहे हैं इसमें लोगों को निराशा जरूर है कि समाज में इस तरीके के की बातों को ना बढ़ाया जाए तो ज्यादा सही है। आगे और चलते हैं, देखते हैं कि लोगों का और क्या कहना है। बड़ी भीड़ दिख रही है यहाँ पर, हम यहाँ पर बात करेंगे, यहाँ पे एक दादाजी बैठे हैं, उनके सामने तो कई चुनाव निकले होंगे, बहुत चुनाव हमने वोटिंग किया, हट शुरू से लेकर समझिए 52 से लेकर 52 से वोटिंग, हाँ वार्ड
और मैं बीजेपी का हूँ और बीजेपी को ही वोट देता हूँ। चाहे बीजेपी ने ये जो GST लगाई बहुत बढ़िया किया, नोटबंदी की बता रहे हैं, मरे जा रहे हैं। अरे हमसे खुले आम पूछिए ना, अभी मैं बीजेपी को वोट दूंगा, राजनाथ सिंह जीतेंगे, भले ही वो शत्रुघ्न सिन्हा की बीवी खड़ी है, वो थोड़ा कम वोट से जीतेंगे राजनाथ सिंह जी, बस एकदम श्योर वही जीतेंगे। मोदी और कौन जीते? बहुत बढ़िया किया, लखनऊ की सफाई करवाई, हर जगह व्यवस्था की, सबको सुविधाएं दी। लखनऊ चमका है, देहात भी चमका है। कराई थी वो भी तो अत्तर पत्थर लगवा दी थी, किसानों को पैसा दिया, ये किया वो किया, दुनिया को जो है मोदी ने किया और लोगों ने क्या किया, हमको तो कुछ नहीं पता, हम तो पूछने आए थे। नहीं आप तो देख ही रहे, मायावती ने पत्थर लगवाए, रोड बनवाई, मूर्ति 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 लगवाई, इन्होंने जो है देश को वो किया। अखिलेश भी किया अपने शासन में, सब जो अपने शासन में आ रहे हैं ठीक है कर रहे हैं, ठीक है कर रहे हैं जो कर रहे हैं, लेकिन मोदी सबसे आगे, मोदी सबसे आगे, मोदी सबसे आगे, सबसे आगे मोदी, मोदी सरकार, मोदी सरकार, अब की बार, अब की बार मोदी सरकार, अच्छे काम किए इसलिए। अरे सबसे बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक किया जो, और बताएं सर सबसे बढ़िया काम है, देश की बात, देश की बात, सर्जिकल स्ट्राइक, घुस के मारा बढ़िया से मारा, बढ़िया से मजा आ गई, बिल्कुल दोबारा अगर करे तो फिर से ऐसे ही करे, अगर फिर ऐसे, मारो मोदी जी फिर मारो ऐसे। क्या नाम? लालू सर। लालू जी बिहार कब छोड़े? अभी तो छोड़ा, दो चार दिन पहले। किसको वोट करेंगे? हम किसी को वोट नहीं करेंगे, वोट देने नहीं जाएंगे, ये तो गलत बात है, वोट देना चाहिए, किसी को नहीं देंगे, नहीं वोट देना चाहिए भैया, हम क्यों दें भैया वोट? अच्छा किस लिए, काहे के लिए दुखी है, वोट काहे नहीं करेंगे? अरे भैया हमारा वोट नहीं जाता ना, यहाँ के है ही नहीं ना, हमारा बाहर पड़ता वोट, कहाँ? दिल्ली में। अरे दिल्ली पड़ता मतलब वोट देने जाएंगे ना? नहीं जाएंगे ही नहीं, नहीं जाएंगे। अरे तो आप नाराज लग रहे हैं। अरे भाई वोट देने हम नहीं जाएंगे, हकीकत बात है, क्योंकि हमारे पास आधार कुछ नहीं है। अच्छा तभी जब नाम ही नहीं आएगा तो देने क्या जाएंगे? तो यहाँ तो खूब हो रहा था कागज वागज, अरे बनवा रहे हैं, किरायेदार कहाँ कैसे बनवाएगा, किरायेदार तो दिल्ली में बनवाइए, तो दिल्ली में भी तो किराए पे है, घर नहीं है कहीं, नहीं ये तो गलत बात है, कहीं पर घर, आधार बनवाइए, वोट करिए, देश को मजबूत करिए, पहले जब बना हुआ था कट गया, नहीं कटवाइए मत, फिर से बनवाइए। क्या नाम दादा? संदीप। किसको वोट करेंगे? मोदी 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 मोदी, तो फिर कैसे मोदी भाई? हर हर मोदी, हर हर मोदी, क्या अच्छा किया? अरे अब जो करेगा वही अच्छा करेगा, बस बेटी। मैडम जी बोलेंगी? महिला शक्ति नहीं बोल रही है आज, शांत है, लग रहा है एकदम से वोट डालेगी, है अच्छा है। क्या नाम है? सुधा। क्या लग रहा है, किस तरीके का माहौल है? माहौल के बारे में मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरा वोट तो उसी को है जो देश का सबसे बड़ा नेतृत्व करने वाला है, भाजपा। भाजपा कर रही है जी। क्या अच्छा किया बीजेपी ने, क्या लगता है आपको, किन एजेंडा, किन चीजों को सोचकर आपको बीजेपी अच्छी लगती है? मुझे अच्छी लगती व्यक्तिगत तौर पर, मतलब फेवरेट हम लोगों का, पार्टी ही फेवरेट है, पार्टी ही फेवरेट है, बात है खत्म, पार्टी ही फेवरेट है तो क्या कर सकते हैं? मोदी जी को, मोदी जी सब कुछ अच्छा है, सब कुछ उनके से, अरे कोई परेशानी, जो दो नंबर का करते हैं उनके लिए परेशानी है, दो नंबर वालों के लिए GST परेशानी है, जानिए। क्या नाम दादा? अभिषेक सलूजा। क्या लग रहा है कि किस तरीके से एजेंडे जो बनाए जा रहे हैं सही? वोट एजेंडा, राष्ट्रवाद, वो तो चलेगा ही चलेगा, चलेगा बिल्कुल चलेगा, मुद्दे होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, मतलब देश के मुद्दे होने चाहिए, देश के मुद्दे भी नहीं होने चाहिए। किन चीजों पर वोट, आप जब वोट डालने जाएंगे किन चीजों पर, मतलब बेसिकली किन चीजों को सोच कर वोट? बीजेपी आएगी, बाकी कुछ नहीं पता, सिर्फ बीजेपी मतलब एक एक जो उम्मीद कही जाए लगातार अगर जिस तरीके से, तो लोगों में एक उम्मीद है और लोग साफ हैं एजेंडे पर कि उनको किसको करना है या नहीं करना है, मगर सबसे बड़ी बात इन सब चीजों में है कि लोग जागरूक हैं, लोग जान रहे हैं कि क्या एजेंडे हैं और किन चीजों पर उन्हें बोलना है। कुछ और लोग हैं सर, क्या नाम आपका? मनीष सलूजा। मनीष जी लगातार जो राजनीतिक बयान है वो लगातार नए नए आते रहते हैं, आपने सुना होगा कई बार विवादित चुनाव आयोग ने भी कुछ लोगों को बैन भी किया, क्या ये सब सही है? सर वो सब तो चलता रहता है, लेकिन बस ये है कि जो भी सरकार आए अच्छी आए, अच्छा काम करे, जैसे मोदी जी कर रहे हैं वो ऐसे ही काम होता रहे, और बीजेपी ही आएगी, हम लोग भी बीजेपी को ही वोट करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, तो एक 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 माहौल की अगर बात की जाए तो लोग लगातार विकास को लेकर बात कर रहे हैं, लोग लगातार उन चीजों को लेकर बात कर रहे हैं जो लोगों के हित में है,
جن لوگوں کو آگے جو ایک سماج کو آگے بڑھاتا ہے، یہ اور ایک اچھی چیز ہے۔ بڑی بات یہ ہے کہ لوگ ہر چیز پر ووٹ کرنے کی سوچ رہے ہیں، چاہے وہ راشٹرواد کا مدعا ہو، چاہے وہ وکاس کا مدعا ہو، چاہے وہ راشٹر رکشا کا مدعا ہو، چاہے وہ کسان کا مدعا ہو، چاہے وہ بے روزگاری کا مدعا ہو، چاہے وہ شکشا کا مدعا ہو، ہر جگہ پر لوگ سوچ کر ووٹ کر رہے ہیں اور لوگوں کی اپنی آستھا ہے۔ تو بڑی بات یہ ہے کہ لوگ ہر جگہ پر اپنی ووٹ کا پریوگ کریں گے اور لوگ ایک مضبوط لوک تنتر بنانے کی سوچ بھی رہے ہیں۔ اب وہ چاہے مودی جی دیں ہو چاہے راہل جی، لوگوں کی اپنی اپنی آستھا اور اپنے حساب سے سب لوگ ووٹ کریں، مگر ایجنڈے جو ہیں وہ ہر چیزوں پر ہیں، استھانی مدوں سے لے کر راشٹری سرکشا تک، جو کہیں نہ کہیں ایک اچھا انڈیکیشن ہے اور پوری طریقے سے ایک سماج کو مضبوط کرنے کی دشا ہے۔ ہم نے آج آپ کو لکھنؤ کا پورا ماحول دکھایا، لکھنؤ کی ایک مارکیٹ پوری آپ کو دکھائی، لکھنؤ کا ایک اسپاٹ پورا دکھایا جہاں سے بہت سے لوگ باہر سے الگ الگ جگہ سے آئے تھے اور انہوں نے اپنی رائے رکھی، انہوں نے صاف کیا کہ کن کن چیزوں پر ڈسکشن ہونا چاہیے۔ آگے پھر آپ سے ایک بار ایک نئی جگہ سے ایک نئے جنتا کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے نمسکار۔ देना हर मतदाता की जिम्मेदारी है, अब आपकी बारी है। सभी दिव्यांग मतदाताओं के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा सरल प्रक्रिया और सुगम मतदान के अंतर्गत सभी मतदान केंद्रों पर रैंप, व्हीलचेयर आदि व्यवस्थाएं सुनिश्चित